नमस्कार, सिटी लाइफ में आपका स्वागत है। मैं भव्या, आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य गतिविधियों पर। अस्पताल में टीबी की दवाई ना मिलने से मरीज की मौत। दादूपुर नलवी नहर को बंद किए जाने के विरोध में किसानों का धरना प्रदर्शन जारी। विधवा पेंशन को लेकर कांसापुर की महिला ने सीएम विंडो पर दिया ज्ञापन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हरनौल शाखा में दर्जनों किसानों ने किया हंगामा। छठ पूजा को लेकर यमुना घाट की सफाई शुरू। प्लाटों के नाम पर धोखाधड़ी के मामले में अंसल टाउन के खिलाफ मामला दर्ज। मौसमी बीमारियों को लेकर बच्चों का किया हेल्थ चेकअप। अब गतिविधियां विस्तार से। अस्पताल में टीबी की दवाई ना मिलने से मरीज की मौत। चिकित्सक बोले, स्वास्थ्य केंद्र में नहीं है दवाई की कमी। प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बेहतर सुविधाएं देने का दावा कर रहा है, लेकिन रादौर के स्वास्थ्य केंद्र में दवाई की कमी से एक मरीज की मौत का मामला सामने आया है। मृतक के भाई का आरोप है कि अस्पताल में टीबी की दवाइयां उपलब्ध न होने से उसके भाई धनराज की मौत हुई है। मृतक के भाई जसवंत का आरोप है कि उसके परिवार के लोग सरकारी अस्पताल रादौर में टीबी की दवाई लेने के लिए पिछले 15 दिनों से चक्कर लगा रहे थे, लेकिन अस्पताल की ओर से धनराज व उसके परिवार के लोगों को कुछ दिनों में टीबी की दवाई आने की बात कहकर हर बार टरका दिया गया, जिस कारण अस्पताल से दवाई ना मिलने पर धनराज की टीबी की बीमारी के चलते घर पर मौत हो गई। परिवार के लोगों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए धनराज की मौत के लिए विभाग को जिम्मेदार बताया है। उधर सरकारी अस्पताल रादौर के SMO डॉक्टर विजय परमार ने बताया कि अस्पताल में टीबी की दवाई की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि मृतक धनराज अस्पताल में इलाज के लिए जरूर आया था, जिसकी जाँच करने पर उसमें टीबी की बीमारी के लक्षण पाए गए थे, लेकिन टीबी से इतनी जल्दी मौत नहीं हो सकती। मौत के कुछ और कारण भी हो सकते हैं। ऐसा हुआ जी, 1 तारीख से मेरा भाई बीमार हो गया था जी, अचानक ही। तो उसके बाद जी हमने सरकारी अस्पताल में जिसकी पर्ची बनवाई, वहाँ पे डॉक्टर ने जो लिख के दिया हमें को भाई, इसका टेस्ट कराओ। पहले टेस्ट कराने के बाद जी उसमें टीबी आई जी। टीबी आने के बाद जी दवाई इन्हें को मिली नहीं वहाँ से जी। तो कहने लगे जी अगले मंगलवार का ही हो। तो मंगलवार को गए तो दवाई लेने जी, मंगलवार को भी इन्हें टरका दिया वहाँ से भी अगले सोमवार को आना। जब सोमवार को जब भी ने जवाब दी थे दवाई हमारे पास है नहीं। फिर हम जी अपने भाई के भाग गए जी प्राइवेट हॉस्पिटल में, 3 दिन वहाँ रखा जी एडमिट से। तो उसके बाद कहने लगा भी तुम गरीब आदमी हो भी, यहाँ तुम्हारा खर्चा ज़्यादा बैठेगा, तुम अपना सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवा लो। फिर हम घर ले आए, उसके जाने के बावजूद भी कोई दवाई नहीं देते थे भाई जी, बुखार की और खांसी की दे देते थे जी, उस तरह में कोई चीज़ नहीं दी इन्होंने। उसके कुछ दिन चलते जी घर पर पड़ा था, आस्ते आस्ते तबीयत खराब होती गई जी। एल जी ये 7:30 बजे इसकी डेथ हो गई थी जी। ये तो विभाग के, हम तो मानते जी विभाग के ऊपर ही हुई है। जब किसी ने हमारी गौर ही नहीं करी, सरकारी हॉस्पिटल में गए वहाँ भी नहीं सुनवाई हुई, तो मतलब विभाग का ही गुनाहगार है हम तो जी। हाँ जी, इनके खिलाफ जो मान लो हॉस्पिटल के अंदर गरीब आदमी को दवाई नहीं मिल रही, सरकार कह रही जब सब कुछ भेज रहे हैं, गरीब आदमी वहाँ अस्पताल में 2-2, 3-3 घंटे टाइम वेस्ट करके भी घर आ जाता है जी। दवाई के अभाव में डेथ नहीं हो सकती, क्योंकि टीबी कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो मतलब 10 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर ही मरीज की जान ले ले, ऐसा नहीं है। तो ये कारण कुछ और भी रहा होगा कि जिसकी वजह से इसकी डेथ हुई है। अकेला ये कहना कि स्कैंटी टीवी जो अभी शुरुआत में अपनी आ रही है टीवी, उसकी वजह से डेथ हो, ऐसा किसी भी मतलब तथ्यों से लगता नहीं है कि हुआ होगा। ये आरोप जो है ठीक है, मृतक जन है उनके साथ हमारी जो जो सहानुभूति उनके साथ है जैसा वो कह रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी यही कहना चाहूँगा कि ये टीवी की वजह से मौत नहीं है, कारण कुछ और भी इसके साथ जुड़ा हो सकता है। और अगर उन्होंने पोस्टमार्टम कराया हो तो ये हमारे लिए भी अच्छा रहेगा कि एक तो हमें भी पता लगेगा कि कारण क्या रहा मौत का। दादूपुर नलवी नहर को बंद किए जाने के विरोध में किसानों का धरना प्रदर्शन जारी। प्रदेश सरकार के समर्थकों को किसान बताकर मिलने का लगाया आरोप। खाप पंचायतों ने किसानों के समर्थन में आने की कही बात। दादूपुर नलवी नहर को बंद किए जाने के विरोध में पिछले 64 दिनों से किसानों का धरना प्रदर्शन जारी है। किसानों ने आज सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हरियाणा सरकार के सहकारिता मंत्री कृष्ण बेदी द्वारा कुछ किसानों को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात कर नहर को बंद करने के निर्णय को सही बताए जाने पर किसानों ने रोष जताया है। किसानों का कहना है कि पिछले काफी दिनों से धरने पर बैठे किसानों से मिलने के लिए मुख्यमंत्री के पास समय नहीं है। मुख्यमंत्री से मिलने गए किसान बहुरूपीय हैं और प्रदेश सरकार के समर्थक हैं। किसानों ने अपना रोष जताते हुए कहा कि मंत्री के पास मिलने आए किसानों को लड्डू खिलाने का समय है, लेकिन किसानों की समस्याएं सुलझाने का वक्त नहीं है। किसानों के प्रदर्शन में उनका साथ देने के लिए कल से हरियाणा की खाप पंचायतें भी उनके समर्थन में आएंगी। ये किसान विरोधी सरकार है, जब जब भी ये सरकार है इसने किसानों के विरोध में ही काम किया है, किसानों को उजाड़ने काम किया है। बाकी रही लोग जो कल किसान बन के गए थे, वो किसान नहीं, वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे।
अगर ऐसे ही सरकार के फैसले होने लगे, आज वो 100 लोग लेके बंद करवाने के लिए, कल हम 1000 लोग ले जाएंगे, तो क्या सरकार इस नहर को चला देगी? आगे रणनीति हमारी, हम तो आर पार की लड़ाई के मूड में बैठे हैं, हमारे धरने के दिन पड़ रहे हैं, सरकार के घट रहे हैं, और आज चुनाव आने वाले हैं। रास्ता गुजरात देख लेना, आप इनका सफाया गुजरात में, हिमाचल में सफाया, और हरियाणा में सफाया करेंगे, जहाँ 37 साल पहले जहाँ पार्टी वहीं भेज देंगे इसको। यहाँ पे आज कृष्ण बेदी का पुतला जलाया गया है, और ये पुतला इसलिए जलाया गया क्योंकि कृष्ण बेदी कल अपने 10-20 दलाल लेकर, अपने गुर्गे लेकर सीएम पे पेश होकर के लड्डू बटवाता है, ढोल बजवाता है, और कहता है कि नहर बंद होने का बहुत अच्छा निर्णय लिया। ये एक झूठे किसानों से ड्रामा, अपने दलालों से किसान बनाकर वहाँ पर पेश कर रहे हैं, और किसान यहाँ बैठे हैं, किसान असली किसान शाहबाद में भी धरने पर बैठे हैं, और जिनको ये कल लेके गए उनकी एक की भी जमीन इस नहर में नहीं गई हुई है, इसलिए इसका पुतला फूंका गया, और उसके साथ साथ इसके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे, और इसके घर पर जाकर इसके पुतले जलाएंगे, इसके घर के बाहर। विधवा पेंशन को लेकर कांसापुर की महिला ने सीएम विंडो पर दिया ज्ञापन। 2 महीने से विधवा पेंशन नहीं मिलने को लेकर एक महिला ने सीएम विंडो पर शिकायत दी है। महिला का कहना है कि जब पेंशन के बारे में बैंक कर्मचारी से पूछा तो उसने बैंक खाता को आधार कार्ड से लिंक कराने की बात की। महिला ने पेंशन विभाग के कर्मचारियों को 2 बार आधार कार्ड दिया, फिर भी विभाग की ओर से खाते का आधार लिंक से नहीं जोड़ा गया। ऐसे में ज्ञापनकर्ता विधवा महिला के लिए 4 बच्चों की परवरिश करना काफी मुश्किल है। इसी संबंध में महिला ने सीएम विंडो पर जल्द पेंशन दिए जाने की गुहार लगाई है। सीएम विंडो पर डाल दी है और डी साहब को दे दिया हमने, कि ताकि जो ये जो अफसर हैं इनकी कार्रवाई हो, कि ताकि इंसाफ मिले। ये 2 महीने हो गए सर, ये 8वें महीने से मतलब प्रॉब्लम हुई है, ना 9वें की है, ना 8वें की है, ना अब 10वें की पेंशन आई है इनकी। लेकिन 8वें की इनको मिल चुकी थी, लेकिन 9वें की 10वें की नहीं आई है पेंशन की। जब अधिकारियों के पास जाते हैं, इनके लड़के भी गए थे जी, वो कहते हैं कि हम अपडेट कर देंगे, आधार कार्ड अपडेट नहीं है इनका। तो आधार कार्ड अपडेट कराया तो अब भी इनकी पेंशन नहीं है। पेंशन इनको विडो पेंशन मिलती है जी, और इनके बच्चों को मिलती है, एक लड़की को मिलती है जिनकी, जो मतलब 14 साल की है अभी। आज डी साहब को दी है और सीएम विंडो पे डाली है, ताकि हमारी जल्द से जल्द सरकार के ऊपर कार्रवाई हो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हरनौल शाखा में दर्जनों किसानों ने किया हंगामा। डिफॉल्टरों की लिस्ट में अपना नाम देख भड़के किसान। मंगलवार को यमुनानगर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की हरनौल शाखा में दर्जनों किसान घुस गए और बैंक के खिलाफ जमकर हंगामा शुरू कर दिया। यह किसान बैंक अधिकारियों द्वारा बैंक के बाहर डिफॉल्टरों की लिस्ट में चिपकाए गए किसानों की तस्वीरों से नाराज थे। यही नहीं, बैंक पर किसानों का यह भी आरोप है कि कर्जदार किसानों के बचत खातों में पड़ी रकम को भी सील कर दिया गया है, जो गैर कानूनी है। भारतीय किसान यूनियन ने बैंक को चेतावनी दी कि अगर दोनों मामलों में 10 मिनट के भीतर बैंक ने अपनी भूल नहीं सुधारी तो बैंक के गेट पर किसान ताला लगा देंगे। आखिरकार बैंक को किसानों के आगे झुकना पड़ा और दोनों मांगे मान ली गई। आज भारतीय स्टेट बैंक पे हरनौल पे किसान यूनियन ने हमने यहाँ प्रदर्शन किया इकट्ठे हुए। यहाँ पर जो है इस बैंक ने डिफॉल्टर किसानों की यहाँ पर होर्डिंग लगा दी है, बड़े बड़े उनकी फ़ोटोएँ लगा दी, जो 2 लाख रुपए का 1 लाख रुपए का कर्जदार किसान है उसकी फ़ोटोएँ लगा दी। इसके विरोध में आज हम यहाँ इकट्ठे हुए। सरकार एक तरफ से स्वामीनाथन रिपोर्ट का वादा नरेंद्र मोदी साहब ने किया था उससे मुकर गए, कर्ज माफ़ी का वादा किया था उससे मुकर गए, और आज आप देख लो स्वामीनाथन रिपोर्ट इन्होंने लागू नहीं की और कर्जे के बदल किसान के फ़ोटो लगा दिए। और जो बड़े डिफॉल्टर हैं विजय माल्या वर्गे, सरकार का 9000 करोड़ रुपया लेकर भाग गए, उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं। और चंद देश का पालन पोषण करने वाला, पेट भरने वाला किसान, इसके होर्डिंग लगाए जाते हैं चंद कर्जे के बदल, और ये गैर कानूनी है। किसी की भी सार्वजनिक बेइज्जती बैंक नहीं, कोई भी नहीं कर सकता, ये गैर कानूनी है, इसका हम विरोध करते हैं। और जो यहाँ पर आज इन्होंने फ़ोटो लगाई हैं वो फ़ोटो भी आज भारतीय किसान यूनियन ने उखाड़ दी है। बग्गू माजरी का किसान था, उसका सेविंग में 5 लाख रुपया जमा था, उसका पैसा भी बैंक नहीं निकाल रहा था, उस पर रोक लगाई हुई थी। आज उसके बारे में हम यहाँ इकट्ठे हुए, अब आश्वासन दिया है बैंक ने कि हम उसका पैसा देंगे, कुछ ही देर में देंगे, अगर नहीं देगा फिर हम इसका बैंक का ताला लगाएंगे और फिर नहीं खोलेंगे जब तक उस किसान का पैसा नहीं मिलेगा। इस समय हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, तब तक बने रहिए हमारे साथ। यूनिवर्सल स्टडी अब्रॉड, गेट विंग्स टू फ्लाई, वी डील्स इन IELTS, PTE, TOEFL. We deals in study visas for all countries like USA, Canada, Australia, New Zealand, Europe and Singapore. Pre-visa services, on-spot admission, visa assistance, file preparation, ticketing, foreign exchange, post-landing services, airport pickup, accommodation, part-time job and PR assistance, study loans and scholarships. For more details visit Universal Study Abroad.
फर्स्ट फ्लोर नियर फाउंटेन चौक ऑपोजिट भाटिया नगर यमुना नगर। कॉन्टेक्ट नंबर 9896559400। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है सिटी लाइफ में। छठ पर्व को लेकर यमुना घाट की सफाई शुरू। दो दिन बाद से शुरू होगा छठ महापर्व। दो दिन बाद से शुरू हो रहे छठ महापर्व को लेकर यमुना घाट की सफाई शुरू हो गई है। जिले में काफी संख्या में पूर्वांचल वासी रहते हैं जो हर साल भारी संख्या में यमुना नदी के किनारे छठ पूजा करते हैं। ऐसे में सीमित समय में यमुना के किनारे भारी गंदगी को साफ करना चुनौतीपूर्ण होगा। समय रहते अगर जिला प्रशासन सजग हो जाती तो पूर्वांचल वासियों को पर्व मनाने में काफी सहूलियत होती। प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान चलाए जाने के बाद भी यमुना किनारे गंदगी का होना एक प्रश्न खड़ा करता है। प्लाटों के नाम पर धोखाधड़ी करने के मामले में अंसल टाउन के खिलाफ मामला दर्ज। लोगों का आरोप कंपनी वादे से मुकर कर प्लॉट देने में कर रही है आनाकानी। यमुना नगर में प्लाटों के नाम पर धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने अंसल टाउन के मालिक, उनके बेटे सहित 9 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। पीड़ितों के अनुसार कंपनी ने उनसे अच्छी लोकेशन के प्लाट के हिसाब से पैसे लिए और प्लाट भी दिखाए, लेकिन अब कंपनी उन प्लाटों को देने से आनाकानी कर रही है। फिलहाल पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है। यमुना नगर में लोग अंसल कंपनी की ठगी का शिकार हुए हैं। हालांकि शुरुआती तौर पर 12 लोग सामने आए हैं जिन्होंने सीएम विंडो पर शिकायत देने के बाद डीटीपी के सामने यह मामला रखा था, और ऐसे में डीटीपी की शिकायत पर पुलिस ने अंसल टाउन के मालिक, उनके 2 बेटे और 9 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। पीड़ित लोग व कंपनी के मालिक को आज प्रशासन ने अपने पास बुलाया था, लेकिन ऐसे में ठगी का शिकार हुए लोग तो प्रशासन के सामने आ गए, जबकि कंपनी ने अपने वकील को ही प्रशासन के सामने भेजा। ऐसे में पुलिस के आला अधिकारियों ने इस मामले में कार्यवाही और तेज करने की बात कही है, जबकि ठगी का शिकार हुए लोगों के माने तो कंपनी ने उनके साथ धोखाधड़ी तो की है, साथ ही अब जब कंपनी के पास बात करने के लिए जाते हैं तो उनके साथ अभद्र व्यवहार होता है। यहाँ तक कि पीड़ितों को जान से मारने की धमकी तक भी दी जाती है। सर, मैंने 2012 में अंसल टाउन जुगलादरी में प्लाट लिया था घर बनाने के लिए। आज 2017 आ गया है, ये मेरी दृष्टि निकल आ रहे हैं और मेरे जैसे कुछ अन्य लोग और भी पीड़ित हैं इस मामले में। मैंने 287 गज का प्लॉट लिया था जिसकी तकरीबन 48 लाख रुपए पेमेंट मैं 2015 दिसंबर तक जमा करा चुका था, फुल एंड फाइनल पेमेंट। मेरा कोई बैलेंस नहीं है कंपनी की तरफ और आज तक भी रजिस्ट्री नहीं करा रहे हैं। कहीं इनके मन में या तो फ्रॉड का मामला है या कहीं लालच है कुछ इनके मन में। इसमें 5/8/2017 को मैंने सीएम विंडो पे एक एप्लीकेशन लगाई थी हैरान परेशान होकर, जिसकी 3 बार ग्रंसिव की मीटिंग हो चुकी है डीसी साहब के चेयरमैनशिप में, और उसमें 4-5 अन्य जो हमारे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, बिजली बोर्ड के एक्शन हैं, वो भी मेंबर थे। 3 बारी मीटिंग हुई है सर, उस मीटिंग में अंसल हाउसिंग की तरफ से कोई कर्मचारी कोई अधिकारी मीटिंग अटेंड करने के लिए नहीं आया। तो उसके बाद सर कल एक मामले में FIR दर्ज हुई है इनके खिलाफ। डीसी साहब ने आदेश करे थे कि या तो ये रजिस्ट्री करा दें नहीं तो इनके खिलाफ एक FIR दर्ज करी जाए। 20 दिन का टाइम दिया था तो हमें बुलाया गया था, जितने भी प्लाट धारक थे आज 20 के करीब प्लाट धारक आए थे, तो डीसी साहब ने उनको बुलाया। काफ़ी लेट कंपनी की तरफ से कर्मचारी आया उनका चंडीगढ़ से कोई, तो सर उसके पास कोई जवाब नहीं था कि हम क्यों नहीं रजिस्ट्री करवा पा रहे हैं। डीसी साहब ने कहा है कि या तो आप 20 दिन के अंदर अंदर सभी प्लाट धारकों को रजिस्ट्री करवा दो, नहीं तो सभी की तरफ से इनके खिलाफ मामला FIR दर्ज करा दी जाए। मैंने अंसल में प्लाट लिया था फेज 2 में, मेरा B1159 नंबर है और मैंने टोटल पेमेंट दे दी है 42 लाख रुपये, जिसके सीज भी मेरे पास है, सब कुछ 0% बैलेंस है। और मेरे को उन्होंने कहा था कि मार्च में रजिस्ट्री हो जाएगी और अभी तक रजिस्ट्री करा पा रहे हैं। बार बार चक्कर लगाने के बाद ये धमकाते हैं सर। उसके बाद मैंने CM पोर्टल में विंडो में कंप्लेंट डाली थी, उसका अभी अंडर प्रोसेस है, अभी कुछ खास रिजल्ट आया नहीं। अभी आज मीटिंग थी DC साहब के साथ, उन्होंने 20 दिन का टाइम दिया इनको। सर थ्रेट करते हैं, कहते हैं ये ले लो वो ले लो, जो प्लाट हमने पसंद किया उसकी जगह दूसरे घटिया प्लाट दे रहे हैं। मौसमी बीमारी को लेकर बच्चों का किया गया हेल्थ चेकअप। स्वामी विवेकानंद लोटस वैली स्कूल के बच्चों को हेल्थ चेकअप को लेकर अस्पताल ले जाया गया, जहां सीजनली बीमारियों को लेकर 34 बच्चों का हेल्थ चेकअप किया गया। बदलते मौसम के कारण बच्चों में सीजनली बीमारियों का प्रकोप बढ़ रहा है, ऐसे में बच्चों की सेहत को लेकर स्कूल प्रशासन काफी सजग है। इसी को ध्यान में रखते हुए बच्चों का हेल्थ चेकअप किया गया। I am come from St. Vivekananda Lotus Valley Public School. We visit the hospital.
वी सी हेयर ऑपरेशन थिएटर ICU ब्लड बैंक एटसेट्रा वी ऑल्सो हैव अवर हेल्थ चेकअप वी गिव दैम ग्रीटिंग कार्ड्स फ्रूट्स एंड गिव दैम विशेज दैट गेट वेल सून। आज हमारे हॉस्पिटल में स्वामी विवेकानंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहाँ पे मैं एज ए सुपरवाइजर जॉब करती हूँ, यहाँ पे हमारे पास 34 स्टूडेंट्स आए हैं स्वामी विवेकानंद से ही लोटस वैली से, और यहाँ पे हमने उन्हें विजिट करवाया है एज एक्सरे रूम वार्ड्स ICU ब्लड बैंक सारा कुछ उन्हें दिखाया है हमने यहाँ पे, और उन्हें हमने डेंगू और मलेरिया के बारे में बताया है। डेंगू सबसे ज़्यादा चल रहा है आज के टाइम पे इस टाइम पे, तो हमने उन्हें सारा कुछ दिखाया, उनका हेल्थ चेकअप करवाया, उनका वेट चेकअप करवाया। 34 स्टूडेंट्स आए थे स्कूल से हमारे पास, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों थे। वी लर्न दैट हाउ टू ट्रीट पेशेंट्स एंड व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ब्लड बैंक व्हाट इज़ ऑपरेशन थिएटर एटसेट्रा मॉस्किटो बाइट आवर बॉडी टू एंड स्प्रेड डिजीज़ेस लाइक मलेरिया डेंगू एटसेट्रा एंड वी सेपरेट आवर सराउंडेड क्लीन वी शुड यूज ओडोमास ऑल आउट एटसेट्रा एंड वीयर लॉन्ग पैंट्स टू अवॉइड मॉस्किटो बाइटिंग एटसेट्रा। थैंक यू। एज वी ऑल नो अभी आजकल डेंगू और मलेरिया कितना ज़्यादा फैला हुआ है, रादर वी आर गेटिंग केसेज ऑफ डेंगू और मलेरिया एवरी डे, तो हर रोज़ देर आर एवरेज ऑफ 100 पीपल जो हमारे पास आ रहे हैं बुखार के साथ, खांसी के साथ, शरीर दिख रहा है, ठीक है, बहुत वीकनेस आ रही है। सो इसकी अवेयरनेस व्हाट आई फील इज़ कि बहुत ग्राउंड लेवल से होनी चाहिए, तो इसलिए वी स्टार्टेड अ प्रोग्राम जिसमें हम छोटे बच्चों को जो एटलीस्ट स्कूल स्टूडेंट्स हैं उनको हम अवेयर करें इस चीज़ के बारे में कि डेंगू क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, उसकी ट्रीटमेंट क्या है, उसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट इतना मिलेगी जिसमें उससे हम एक जो भी सारी प्रिवेंशन ले सकें और उसके ट्रीटमेंट के बारे में उनको अवेयर कर सकें सो दैट दे कैन स्प्रेड अ वर्ड। तो आज 34 स्टूडेंट्स हमारे स्कूल के आए थे यहाँ पे, तो वी शोड देम एवरीथिंग अबाउट फ्रॉम द स्टार्टिंग एज वेल एज टिल द एंड ऑफ द मैनेजमेंट। आज की गतिविधियों में बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।